नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक परिपक्वता का विकास। संवेग एक प्रकार की भावनात्मक क्रिया होती है जिसमें मनुष्य का मन शारीरिक संतुलन पूर्ण रूप से टूट जाता है। संवेग का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है इमोशनल। अंग्रेजी भाषा में यह शब्द लैटिन से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिला देना या उत्तेजित कर देना। इस प्रकार किशोरावस्था को तूफान या तनावों की अवस्था कहा गया है। 12-13 वर्ष की किशोरावस्था जो है इसे कहा जाता है। किशोरावस्था की पहचान ही संवेगात्मक परिवर्तन से होती है। कुल्हन के अनुसार समायोजन की समस्याओं के कारण किशोरों में जो है तनाव, चिंता आदि उत्पन्न होते हैं। तो किशोरावस्था में सामवेविक स्थिति पैदा करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि किशोरों का किसी कार्य करने को योग्य ना होना, पारिवारिक संबंधों की प्रतिकूलता, समायोजन न कर सकना, अनेक कारणों तथा अभावों की इच्छा पूर्ति में बाधा का आना। ये परिस्थितियाँ किशोरों में अनेक भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या आदि। जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो किशोरों में क्रोध का संवेग उग्रतापूर्वक प्रकट होता है। भय का संवेग उत्पन्न करने में वस्तु, पदार्थ, सामाजिक संबंधों का भय तथा अपने आप से भय की भूमिका अधिक होती है। चिंता तथा ईर्ष्या भी इसी कारण होती है। क्रोध एवं क्रोध के द्वारा किशोरों का जो है संवेगात्मक स्थिति का अध्ययन किया गया। उसने कॉलेजों के 100 लड़कों तथा 200 लड़कियों पर परीक्षण किए। उसने उनकी दुखद अनुभूतियों के बारे में अनुभव संबंधी प्रश्न किए, जिसके परिणाम इस प्रकार है। संबंधियों तथा मित्रों की मृत्यु, स्कूल में फेल होना, इच्छित वस्तुओं न मिलना, मित्रता का अंत होना आदि। संवेग के ऊपर नियंत्रण। मानव के संतुलित संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। संवेगों पर यदि नियंत्रण नहीं रहता तो व्यवहार में असामान्यता आने लगती है। संवेगात्मक अस्थिरता को ही असामान्यता की जो है संज्ञा दी जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता का प्रभाव शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए व्यक्ति को संतुलित विकास के लिए संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए जो है कुछ विधियां हैं जिसे देखते हैं। मार्गांतिकरण। यदि बालक के संवेग गलत दिशा में अभिव्यक्त हो रहे हैं तो उनकी दिशा बदल देनी चाहिए। जैसे भय के संवेग को यदि बुरी बातों तथा बुरे कार्यों से डरने की तरफ मोड़ा जाए तो उनको वांछित दिशा मिलेगी। शोधन। संवेगों के प्रशिक्षण के लिए शोधन की विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। संवेगों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना चाहिए, जैसे काम तथा वासना के संवेग को प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है अध्यवसाय। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है कि बालकों को सदैव ही किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए, इससे उसका व्यवहार सही दिशा में होगा। अगला है रेचन। रेचन के अंतर्गत बालकों को उनकी भड़ास निकालने के अवसर देते रहना चाहिए। इसके जो है उससे अवांछित व्यवहारों की अभिव्यक्ति हो जाती है और वे सामान्य हो जाते हैं। अगला है अभिव्यक्ति। कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है कि संवेगों को अभिव्यक्ति होती रहनी चाहिए। इससे संवेगों का जो है प्रशिक्षण होने के साथ साथ मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। अगला है दमन का विरोध। इस विधि द्वारा अवांछित संवेग का दमन करना सिखाया जाता है। किशोरावस्था में काम संवेग को दबाने का प्रशिक्षण उसके हित में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक का कथन है कि यह विधि अनेक सुविधाओं को उत्पन्न करती है। संवेगों के विकास में अध्यापक के कार्य को देखेंगे।
उचित संवेगात्मक विकास के लिए विद्यालय में अध्यापक की जो है कुछ मुख्य रूप से भूमिका होती है, जिसे देखते हैं। सामान्य रूप से अध्यापक को छात्रों के प्रति क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए, इससे छात्र भी अपने संवेगों को जो है संतुलित रखते हैं। संवेगों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें किसी उत्तम विचार या व्यक्ति पर केंद्रित करने में भी जो है सहायता मिलती है। ऐसा करने के लिए अध्यापक द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम अध्यापक का कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने संवेगों को नियंत्रित रखे तथा उसका संवेगात्मक व्यवहार संतुलित होना चाहिए। इस प्रकार बालक भी अनुगमन द्वारा संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने का जो है प्रयास करते हैं। विद्यालय का पूर्ण वातावरण आदर्श होना चाहिए, इससे बच्चों का उचित विकास होता है तथा परिणाम स्वरूप संवेगात्मक विकास भी सुचारू रूप से होता है। सुचारू संवेगात्मक विकास के लिए प्राकृतिक सौंदर्य एवं कलाओं में रुचि का भी जो है विशेष महत्व होता है। शिक्षा में जो है इन कारकों को भी समावेश किया जाना चाहिए। तो ये था किशोरावस्था में संवेगात्मक परिपक्वता का विकास। धन्यवाद।